हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ड्रिफ्ट रॉक कार, जो कि ये रॉक कार के साथ ड्रिफ्ट व्हील इसमें आते हैं। इसमें इतने सारे कलर के मॉडल आते हैं। देखिए यहाँ पे बॉक्स आ गया, ये आ गई उसका ब्लैक कलर में। हमारे पास ये ड्रिफ्ट रॉक कार है, काफ़ी बड़ा संक्शन इसमें दिया गया। यहाँ पे दिख गया ब्लू कलर में। यहाँ पे देखिए 360 डिग्री रोटेशन है। यहाँ पे हैंड सेंसर दिया गया है फोटो में, बट हमारे पास ये हैंड सेंसर वाला है नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में। ड्रिफ्ट रॉक कार यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ऐसे ऐसे संक्शन वगैरह है, वर्क करते हैं। इतने सारे कलर के अलग अलग मॉडल इसमें आते हैं। यहाँ पे 360 डिग्री रोटेट होता है वो दिया गया है। 1.16 किल की है, मेटल बॉडी ऊपर की है। नीचे की साइड दोस्तों रिमोट में कौन सा बटन क्या वर्क करता है, बैटरी कैसे डालना है, हैंड सेंसर का भी दिया गया है कौन सा बटन कैसे कैसे वर्क करता है। तो ये तो हमारे कुछ काम का है नहीं, इसको मारो क्रॉस। यहाँ पे चार्जिंग वगैरह सब दिया गया है, वार्निंग वगैरह। तो चलिए दोस्तों ये रॉक कार को बॉक्स में से निकाल के चेक करते हैं कैसे ये वर्क करती है, कैसी क्वालिटी है, क्या प्राइस है, कहाँ से आपको मिलेगी, वो सब हम ये वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो दोस्तों देखते रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही ड्रेस के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे रॉक कार को मैं रख देता हूँ। रॉक कार को यहाँ कटर की मदद से ओपन कर लेते हैं। ये साइड से ओपन करना है। काफ़ी बड़ी साइज का बॉक्स है दोस्तों। बॉक्स में से जब तक ये बाहर निकल जाए तब तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो हम ऐसे आपके लिए बनाते रहे आगे। यहाँ से लॉक को मैं ओपन कर देता हूँ। ये काफ़ी अलग टाइप का, इसमें तार से लॉक दिया गया है, बाकी सब में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ से। काफ़ी बड़ी साइज़ की है दोस्तों रॉक का। देखिए इतने बड़े संक्शन इस ऐसे वर्क करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ऐसे पूरी रो हो जाती है ये। तो काफ़ी बड़े साइज़ के संक्शन दिए गए, पूरे ड्रिफ्ट व्हील है यहाँ पे। ये जो बॉडी है ये मेटल है, बाकी सब प्लास्टिक है। यहाँ पे आती है इसकी रिचार्जेबल बैटरी। यहाँ पे आ गया इसका ऑन ऑफ का बटन दोस्तों। ये आ गया बैटरी चार्जिंग करने का केबल, और ये आ गया हमारा रिमोट। रिमोट को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, स्क्रू ड्राइवर से ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने रिमोट निकाल दिया है। रेड कलर में काफ़ी बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन दिया गया। यहाँ पे आती है इसकी बैटरी, और ये कितने सारे बटन है, 10 बटन इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे मैं कार को स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए आगे पीछे लेफ्ट राइट में सब आपको फंक्शन यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। ये देखिए कार ये पीछे जा रहे, सॉरी ये आगे, ये पीछे, ये रोटेट, ये रोटेट, ये क्रॉस में, ये उल्टा क्रॉस में, ये साइड में चलेगी, और ये क्रॉस में। तो हर एंगल पे ये कार चलती है। और बीच वाला बटन ये क्या है, ये देखना पड़ेगा। ये सर्कल वाला है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। 1 2 3 क्या है देखना पड़ेगा। ये तो ऑटो डेमोन्स्ट्रेशन है दोस्तों, पूरी कार है वो ऑटोमेटिक वर्क कर रही है। देखिए रिमोट यहाँ पे है, पूरे कार में जितने भी फंक्शन है वो सब फंक्शन आपको एक के बाद एक दिखा रही है कार यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये कार ने ऑटो डेमोन्स्ट्रेशन वर्क करना बंद कर दिया, तो काफी बढ़िया तरीके से कार चल रही है। हम आगे कार की दूसरी कार के साथ रेसिंग कर लगाएंगे, इसकी काफी ज्यादा टेस्टिंग करने वाला है दोस्तों। तो एंड तक वीडियो आप देखते रहिए। यहाँ पे दोस्तों इसको आगे काफी ज्यादा स्पीड में चल रही है। रिवर्स देखिए, रिवर्स भी सेम स्पीड में आ रही है। यहाँ पे इसको रोटेट कराते हैं। उल्टा क्रॉस में लो, बाकी सब बटन है वो एक के बाद एक प्रेस करो। देखिए क्रॉस में चल रही है, साइड में, यहाँ पे लग गई इसकी टक्कर। रिवर्स लेकर टक्कर मारो,
यहाँ पे दोस्तों इसकी टक्कर लगी है पीछे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आ गए पत्थर वाले सरफेस पे, देखते हैं पत्थर वाले सरफेस पे कैसे चलती है। तो काफी बढ़िया तरीके से उछल उछल के चल रही है कार पत्थर वाली सरफेस में भी, ऑफ रोडिंग के लिए तो है ही ये। तो यहाँ पे बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगे हैं, ये इसके ऊपर चला रहे रॉक कार को, देखते हैं कैसे ये क्लाइम कर पाती है। देखो उछल उछल के चल रही है, आने दो ऊपर, ये पलटी हो गई यहाँ पे ऊपर, तो नहीं इतना फोर्स नहीं लगा रही है यहाँ पे कार, देखिए ये पलटी। तो यहाँ पे नहीं बड़े बड़े क्लाइम नहीं कर पा रही है ढेर है वो, क्योंकि इतने सा भी छोटा सा स्लोप है वो नहीं क्लाइम कर पा रही है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ड्रिफ्ट रॉक कार के साथ ही हमारी रेसिंग कार आ गई, दोनों की लगाते हैं यहाँ पे रेस, दोनों को एक साथ रख देता हूँ, 1 2 3 गो। देखिए हमारी ड्रिफ्ट कार है वो पीछे रह गई है और रेसिंग कार वो आगे निकल गई है, फिर से एक और बार रेस लगाती, 1 2 3 गो। देखिए हमारी ड्रिफ्ट कार से इसकी स्पीड काफी ज्यादा हाई है दोस्तों, इसकी स्पीड है ड्रिफ्ट कार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, देखिए। तो रेसिंग में दोस्तों हमारी जो ये कार है रेसिंग कार वो विन होती है। अभी लगाता हूँ मैं दोनों के फाइटिंग, दोनों को आमने सामने रख देता हूँ, 1 2 3 गो। देखिए हमारी ड्रिफ्ट कार को इसने पीछे धकेल दिया, फिर से एक और बार बंद हो गई है, बार बार बंद हो रही है। तो हमारी ड्रिफ्ट कार है इसको पीछे धकेल रही है, देखिए यहाँ पे। अभी ये कार को इसके ऊपर रख देता हूँ, देखिए इसका वेट कैरी करके कितना दूर तक चलती है, इसको नीचे गिरा दिया है यहाँ पे, बा फिर से नीचे साइड में रखना पड़ेगा एक और बार। देखिए अभी इसके पीछे के संक्शन है वो प्रेस हो गए हैं, देखिए ये पीछे के संक्शन प्रेस हो गए यहाँ पे, फिर से सही हो गए। अभी इसको सीधा करते हैं यहाँ पे, नहीं हो रहा है, अभी उल्टा, इसके ऊपर क्लाइम कराते हैं कैसे चढ़ पाती है, देखिए इसके ऊपर क्लाइम हो गई यहाँ पे हमारी ड्रिफ्ट रॉक कार। तो दोस्तों फाइटिंग में हमारी रॉक कार है वो विन होती है, क्योंकि ये बार बार बंद हो जाती है, यहाँ पे ये फिर से एक और बार बंद हो गई, तो फाइटिंग में हमारी ये कार है वो विन हुई। यहाँ पे दोस्तों इसको डाउन फंक्शन में वर्क करा के चेक करते हैं, गो, देखिए एकदम सेडान कार हो गई, आगे का तो फंक्शन निकल गया, स्टॉप स्टॉप, एक और बार गो। स्टॉप, फिर से एक और बार रोटेट कराते इसको, काफी लंबी लग रही है इसमें डाउन फंक्शन में, उल्टा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ड्रिफ्ट रॉक कार कैसी लगी हो हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी और परचेस करना हो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको परचेस कर सकेंगे। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही टॉयज के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे दोस्तों। इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, वर्किंग वाइज की काफ़ी बढ़िया है, इतनी ज़्यादा जितना मैंने सोचा था वैसे इसकी स्पीड है नहीं, बट वर्किंग वाइज प्रॉपरली है दोस्तों। अगर आपको परचेस करना हो तो परचेस कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 1700 रुपये दोस्तों इसकी मार्केट में प्राइस है, अच्छा लगा हो तो लिंक में जाकर प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।